कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, ये है ठीक, इसको आप सब डिवीज़न हाइट यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ हो गई सब डिवीज़न हाइट ठीक। एंड यहाँ पे आप जाओगे डिफॉर्मर, डिफॉर्म एंड नॉन लीनियर, दिख रहा है, डिफॉर्म में जाके नॉन लीनियर डिफॉर्मर आपको सेलेक्ट करना है। नॉन लीनियर में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बेंड, बेंड अप्लाई किए, यहाँ से आप प्रेस कर दो टी, आ गया इसका। अब यहाँ से होता है अपर एक्सिस की, आपको ऊपर के साइड से बेंड चाहिए या नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे ठीक। यहाँ बीच से जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये आपका देखो ऐसे कर्व होगा ठीक, ये आपका ऐसे कर्व होगा ठीक। कुछ इस तरह से आप बेंड दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में ठीक। इन केस आपको चाहिए कि ऊपर से तो कर्व आए, जैसे कि आपका वो होता है वाटर का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉश बेसिन में टैप ठीक, टैप होता है तो वो क्या होता है, नीचे से आपका स्ट्रेट होता है, ऊपर से आपका बेंडेड होता है। तो नीचे से आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके आपका हो गया, जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेंड आएगा। अगर ऊपर से आपको स्ट्रेट चाहिए, नीचे से कर्व चाहिए, तो ऊपर वाले को ड्रैग करके नीचे को, क्लियर है। सिलेंडर ले लिए, हाइट इंक्रीज किए ठीक। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको हाइट सब डिवीजन चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, हाइट सब डिवीज़न नहीं होगा तो क्या होगा, दिखा दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आपने ये क्रिएट किया एंड इसके हाइट सब डिवीजन इंक्रीज कर दिए 50, ये आपने एक और क्रिएट किया इसके हाइट सब डिवीजन हम दे दे रहे हैं 10-12, तो यहाँ पे सेलेक्ट किए डिफॉर्म नॉन लीनियर बेंड एंड देन आ गया आपका एक टी से विजिबल या फिर गैप भी होता है हैंडल आते रहा। क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो यहाँ से देखो आपका बेंड आ रहा है ठीक है। कुछ इस तरह से आप बेंड दे सकते हो। इन केस अगर आपको अपर लोअर लिमिट सेट करनी है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ठीक। लोअर लिमिट अगर आपको जीरो करनी है कि नीचे से आपका बेंड ना हो, नीचे से ऊपर कर दिए इसको एंड देन बीच वाले को क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये देखो, तो उससे क्या होगा, नीचे के साइड से आपका स्ट्रेट हो गया, नीचे ये डिफॉर्मर नहीं काम कर रहा है, ऊपर के साइड में प्रॉपर ये डिफॉर्मर आपका काम कर रहा है। अब ये तो आपका स्मूथ आ रहा है क्योंकि सब डिविज़न अच्छे खासे हैं। अगर वहीं इसके जगह पे आप ये सेलेक्ट करते हो ठीक, बेंड हैंडल, ये वाला बेंड हैंडल दिख रहा है ठीक, इस पर आप बेंड दोगे तो ये देखो ये क्या हो रहा है, रफ आ रहा है ना ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें एजेस हैं ही नहीं जो इसको बेंड करें ठीक। तो जितने ज़्यादा आपके एजेस होंगे, जितने ज़्यादा आपके सेगमेंट्स होंगे, उतना अच्छा आपका बेंड आएगा, जितने कम एजेस सेगमेंट होंगे उतना ख़राब आपका बेंड आएगा, क्लियर है।